हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम रिसेंटली बहुत नया नया ग्रुप अलग अलग ग्रुप पे रिएक्ट कर रहे हैं, बट एक चीज़ मेरा जो चैनल का कोर पे है वो है स्ट्रे किड, जो हम बहुत पहले से रिएक्ट कर रहे हैं और बहुत पहले इंट्रोडक्शन हो गया था मेरा स्ट्रे किड से। तो अब हम नया सॉन्ग स्ट्रे किड का सुनने के लिए तो वेट कर ही रहे थे। हम दो सॉन्ग सुनने वाले हैं स्ट्रे किड का, एक एनी, कोरियन में नाम है, ब्रैकेट में एनी लिखा हुआ था, आई गेस एनी नाम है, और सेकेंड सॉन्ग है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉट। तो तुम लोग को अगर नहीं पता, तो जिन का वीक चल रहा है, काइंड ऑफ ऑफिशियल नहीं है बट एक जिन वीक चल रहा है मेरे चैनल पे, कि जिन का वीडियो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट एग्जांपल ले लो हमको, जिन को जब जब सर्च कर रहे थे स्ट्रे किड का सॉन्ग्स, तो स्ट्रे किड वो एस्ट्रोनॉट देख के जिनका याद आया, क्योंकि एस्ट्रोनॉट पता है जिनका वन ऑफ द फेमस सॉन्ग में से एक है, उसका लाइफ पे भी रिएक्ट करना बाकी है, कोल्ड प्ले वाला। तो सोचे स्ट्रे किड पे कर ही रहे, तो भले एस्ट्रोनॉट तो पहले इजी सुनते हैं, उसके बाद एस्ट्रोनॉट सुनेंगे। ये बहुत पुराना सॉन्ग भी है, पुराना है, 3 साल ही पुराना है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। तो लेट्स गो। जिग मिग बकानी अनि नगुगु जुवा हन गोनी अनि गुरम नगुगु जुवा हन गोस ननी अनि गुर वनानन गे मोनी मोनी हैड द मनी वनानन गो मानन दे वनानन दे दो वट वे वनादन गो वनानन दे वनानन दे दो वट वे सिंगाकन गो मानन दे सिंगाकनन दे दो वट वे मारारन जेरो मानते रो सिंगाकते रो वट वे ये 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 सो मेनी सो मेनी ये बहुत वियर्डली चेंज नहीं हुआ ये। ये फेलिक्स का वॉइस इतना वियर्ड क्यों साउंड कर रहा है? पसंद नहीं है मुझे। हम स्ट्रे किड का फैन है, पर ये सॉन्ग को हम एकदम डिफेंड नहीं करेंगे, कुछ ज्यादा ही ऑटो ट्यून का यूज किया है, कि कौन कौन सिंग कर रहा, कौन चेंज हो रहा पता ही नहीं चल रहा, सबका इतना ज्यादा आवाज ट्यूनिंग कर दिया कि कोई ब्लेंड ही नहीं है भाई। ये 0 out of 10 सॉन्ग है मेरे लिए। फिलिक्स का जो सिग्नेचर वॉइस है वही गायब है। भाई इसमें प्रोड्यूसर लोग पे कुछ ये लोग मेंबर से ज़्यादा सॉन्ग पे ज़्यादा फोकस किया है, कि भाई कैसे ये सॉन्ग ज़्यादा ऑटो ट्यून्स बना दिया, कितना एक मतलब तुम ये सब ग्रुप का खास बात क्या है, कि जब फिलिक्स आ रहा तुम चीयर करो, जब बांगशान आ रहा है तुमको ये वो वाला फीलिंग हो, जब हांट रैप कर रहा है, अब सबका वॉइस ही सेम लग रहा है, इतना ज़्यादा पिचिंग पिच आउट, मतलब सब ट्यून ने इतना ज़्यादा कर दिया है। तो ये स्ट्रे किड का सॉन्ग 0 out of 10 मेरे लिए। फिल्स का डीप वॉइस भी सॉन्ग को नहीं बचा सकता। देखो कितना ज्यादा पिचिंग कर दिया इसका वॉइस को। Yeah.
यहाँ पर मैं पे बहुत रैकेट फैन अग्री नहीं करेंगे, अभी तक जितना के पॉप का सॉन्ग सुने वन ऑफ द वर्स्ट वन मेरे तरफ से स्ट्रैकेट का ये इजी ये एनी होगा। तो लेट्स गो चेक आउट एस्ट्रोनॉट, क्योंकि जो स्ट्रैकेट का चार्म है वही सॉन्ग से गायब है ना, कुछ है कोई मतलब ऐसा लग रहा कोई रैंडम पीपल से उठा के सॉन्ग बनाता ना तो इस कैटेगरी का सॉन्ग बना सकता था, इतना पिच इन पिच आउट। क्योंकि यहाँ ये लोग वेल ट्रेंड, जो के पॉप में इतना ट्रेनिंग किया वो दिखाई नहीं कि ये ट्रेंड है ये लोग ना, कुछ वीडियो में एकदम भाई गैराज में लगा शूट किया हुआ है। तो लो बजट से हमको प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई ये लोग स्ट्रैकिड है, एक्सपेक्टेशन तो हाई हो गई। तब पर भी वो सॉन्ग एकदम दोबारा हम एकदम सुनना ही नहीं चाहेंगे, हमको बहुत ख़राब लगा, 0 out of 10। तो लेट्स गो एस्ट्रोनॉट सुनते हैं। I stayed up all night. 설레서 잠도 못 자서 I'm brave, I'm great. 다 돼 내가 뭐를 하든 okay. 준비, ready, steady. 이제까지 going nowhere. 숲 따위네 맘이 가는 대로 그려 필요네. 내 발이 닿는 대로 밟아 그래 뭐네. 내 우주선을 타 like an astronaut. 저 깊이란 내 두 손에 닿듯이 점점 다가오네. 그 앞에 다가오면 그저 차프면 돼. 어디든 가면 되니까 어디든 가면 돼. 어디든 가면 되네. 우주선을 타면 돼. ये सॉन्ग भी ना आउट ऑफ टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि यही सॉन्ग अगर 2013-14 में रिलीज़ होता ना बहुत फेमस होता क्लब्स में अलग अलग जगह। पर ये लग रहा है हम बहुत पुराना सॉन्ग सुन रहे हैं अचानक से। Like an astronaut. 저 깊이란네 두 손에 닿듯이 점점 다가오네. 그 앞에 다가오면 그저 잡으면 돼. 어디든 가면 되니까 어디든 가면 돼. 어디든 가면 되네. 우주선에 타면 돼. 다 몸을 떠나갈 거야 right now. 영앤 비 두려울 건 없잖아. 어디든 나지트가 될 거야. 우주로 가자 like an astronaut. ये सॉन्ग भाई टू मून ओके, इसको 6 out of 10 देंगे। ये सॉन्ग सुन के कैसा लग रहा था पता है, जब यूट्यूब पे फ्री बीट खोजने जाओगे ना लिटरली वो फीलिंग दे रहा था। बट ऐसा जेनुअनली स्ट्रे किड था, अच्छा सॉन्ग था, पर उतना अच्छा नहीं था कि भाई हाइप वाइप कर दे कि स्ट्रे किड के लिए जो चीज़ के लिए जाना जाता है वो हमको इसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग दिखा। बट डेफिनेटली एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि सॉन्ग मेरा टेस्ट का नहीं था, पर बुरा नहीं था, पर 6 out of 10 देंगे। पर पहला सॉन्ग बहुत बहुत बुरा था,
मतलब ऐसा म्यूज़िक, तुम ऐसा म्यूज़िक इंडस्ट्री का भी स्टैंडर्ड से देखो तो वो बहुत बहुत नीचे था वो सॉन्ग। जो प्रोड्यूसर था क्या सोच के सॉन्ग बनाया था नहीं पता, बट भाई ये अर्ली स्टेज पे हो भी तो भाई मतलब जो एक्सपेक्ट करते हैं स्टे किड से और बाकी मेंबर्स से या जो भी ग्रुप से, भाई यू स्टैंडर्ड बढ़ चुका है मेरा बहुत ज़्यादा। पर ये भी नहीं बोलेंगे तो तुम बोलोगे 0 out of 10 तो बहुत लो नहीं हो गया? तुम खुद जाके ये सॉन्ग को एक बार अच्छे से सुनने का ट्राई करो, तुमको हो सकता है तुमको आदत हो गया वो सॉन्ग सुन सुन के कि भाई तुमको पसंद आने लगा हो, या टेस्ट तुम्हारा टेस्ट का सॉन्ग हो, या नॉस्टैल्जिया होने लगे तुमको सॉन्ग सुन के। बट एक ऐसा टेक्निकल टर्म से भी तुम सुनोगे ना कि वो सॉन्ग में क्या पीछे चल रहा है, तुमको सिंपल सा ट्रेंडिंग करने के लिए सॉन्ग दिखेगा और वो भी मिजरेबली फेल्ड। तो हम यही बोलेंगे स्ट्रे किड का नहीं पता आज को क्या हुआ, दो भाई एवरेज सॉन्ग है, बिलो एवरेज सॉन्ग गलती से उठा लिया। तो हम बोलेंगे स्ट्रे किड फैंस, अगर तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो हम जल्दी अलग अलग और स्ट्रे किड का रिकमेंड करो, तुम्हारे तरफ से अच्छा सॉन्ग मेरे को कौन सा लग सकता है, तो हम जल्दी लेके आएंगे। तो अभी के लिए हम चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा गाइस।